वेलकम टू स्टडी हार्ट। स्टडी हार्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा 28 केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलोज की, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनकी जो संभावना होती है लगभग हर एग्जाम में होती है, तो उनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिए, और अपने सजेशन और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करिए, ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे आपके एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। तो एसिटिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका फॉर्मूला है CH3COOH। दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला है HCl। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है। थर्ड नंबर पे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। आप सभी को पता होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, और ये है H2SO4। चौथे नंबर पे अमोनिया, जिसका कि फॉर्मूला है NH3। चौथे नंबर पे नाइट्रिक एसिड, जिसका कि फॉर्मूला है HNO3। 7 यहाँ पे गलती से आ गया। उसके बाद है फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, जिसका कि फॉर्मूला होता है H3PO4, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद है सोडियम फॉस्फेट फॉर्मूला, जिसका कि फॉर्मूला होता है Na3PO4। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर हर एग्ज़ाम में देखा होगा कि CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, और ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। उसके बाद तो कुछ फॉर्मूला और हम देखते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। उसके बाद है कार्बोनिक एसिड, जिसका कि फॉर्मूला होता है H2CO3। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका कि फॉर्मूला होता है NaSCO3। उसका अगला मैं फॉर्मूला डिस्कस करूँ आपके साथ, तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका कि फॉर्मूला होता है NaOH। उसके बाद एक फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका कि फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। फिर है एथेनॉल, जिसका कि फॉर्मूला होता है C2H5OH, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूलाज काफ़ी बेसिक फॉर्मूला हैं, जो इसमें से आधे ज़्यादा आपको पता होंगे, क्या पता कुछ को पूरे पता हो, पर ये उनके लिए वीडियो है जिनको ये फॉर्मूलाज नहीं पता है। उसके बाद है यहाँ पे हाइड्रो ब्रोमिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HBr। उसके बाद अगला फॉर्मूला यहाँ पे हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है उसके बाद है नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला, जो कि है HNO2। और उसके बाद है पोटेशियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है KH2PO4। और इस स्लाइड का लास्ट फॉर्मूला है सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला, जो कि है AgNO3। अगर एक और स्लाइड की बात करूँ मैं, तो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है सोडियम कार्बोनेट का, जो कि है Na2CO3। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा फॉर्मूला। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, जो कि होता है NaCl। और उसके बाद है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला, जो कि है AlOH का होल थ्राइस। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, जो कि है MgOH का होल थ्राइस। अगला फॉर्मूला डिस्कस करें तो वह है मेथेन का, जो कि कूड़े वाली गैस होती है CH4, उसका फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है नाइट्रोजन मोनोक्साइड का फॉर्मूला, जो कि है NO। और उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, जो है KOH। फिर है सोडियम नाइट्रेट, जो है NaNO3। और उसके बाद है सल्फ्यूरस एसिड फॉर्मूला, जो है H2SO3। तो ये कुछ 28 फॉर्मूला हमने डिस्कस किए हैं। तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको कभी भी कोई फॉर्मूला याद करना हो तो वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कुछ अलग फॉर्मूलाज में डिस्कस करूँगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।